एकमात्र वितरागता और विशेष ज्ञान यही सारभूत है और तीन लोक के जाननहार ऐसे लोकालोक के जाननहार अरहंत परमात्मा ने जो जगत का स्वरूप बतलाया है वो जगत छह द्रव्यों के समुदाय स्वरूप है। थोड़ी गूंज रही है आवाज? छह द्रव्यों के समुदाय स्वरूप वो लोक है और छह द्रव्यों में एक द्रव्य का नाम काल द्रव्य भी है। कल जो हमने चर्चा की थी उसमें कोई बात यदि नहीं समझ में आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, है कुछ चर्चा का विषय बोलो। भाई साहब ये वर्तना परिणाम और क्रिया में क्या अंतर है? बैठो नीचे। तत्वार्थ सूत्र का यह सूत्र है, इनमें क्रिया शब्द गमनार्थक लिया गया है और वर्तना और परिणाम ये परिणमन के अर्थ में ही है, है ना। मूल टीकाओं में आप देखेंगे तो उनमें आपको इन शब्दों के और अर्थ मिल जाएंगे। और तुम क्या पूछ रहे थे भाई? आपने कल समझाया था किसी कार्य को संपन्न होने के लिए पांच संवाय लगते हैं। हाँ। तो पांच संवाय में काल लगती भी आता है और निमित्त भी आता है, इसमें आपने रिलेशन बताया था उससे बेहतर। प्रत्येक कार्य के होने में पांच संवाय होते हैं, पांच संवायों में से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था जिसकी कल अपनी चर्चा हुई थी। पांच संवाय अनिवार्य रूप से होंगे, पांच के नाम तो सब जानते हैं आप लोग, स्वभाव पुरुषार्थ निमित्त होनहार काल लब्धि। इन पांच में से ये जो काल द्रव्य है, समझ लो हमारे यहाँ क्लास चल रही है, पढ़ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, जो भी क्रिया दुनिया में चलती है उन समस्त कार्यों में इस काल द्रव्य को हम पांच समवायों में से कौन से समवाय में रखेंगे, ऐसी कुछ चर्चा हुई थी। हमने कहा इन पांच में से वो काल लब्धि में नहीं जाएगा, वो निमित्त में जाएगा। सुनते ही ऐसा लगता है हमारे को कि अरे काल है तो काल लब्धि है, तो काल द्रव्य तो काल लब्धि हो गया ना। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं, काल द्रव्य काल लब्धि नहीं है। तो काल लब्धि क्या चीज है फिर? वो है स्वकाल। प्रत्येक द्रव्य का स्वक्षेत्र, अपने ही द्रव्य का स्वद्रव्य तो है ही। अब जैसे स्वक्षेत्र की बात करें तो स्वक्षेत्र क्या चीज है? जब हम स्वक्षेत्र से बात करते हैं तो हर वस्तु अपने प्रदेशों में रहती है, यह उसका स्वक्षेत्र है। तो आकाश प्रदेशों में रहती है, वो बोले वो निमित्त है। समझ में आ रही है बात? आकाश के प्रदेशों में वस्तु के रहने की चर्चा वो निमित्त की अपेक्षा से चर्चा है। वास्तव में प्रत्येक वस्तु अपने प्रदेशों में ही रहती है। इसी तरह से काल की बात करो, कहाँ कौन सा काल, बोले बाह्य काल की यदि आप बात कर रहे हो तो वो काल तो है निमित्त, जैसे काल द्रव्य कहा। तो अपना काल क्या है? बोले स्वकाल। प्रत्येक कार्य स्वकाल में होता है। स्वकाल माने क्या? वो काल नहीं, अपना जो काल है। स्वभाव भी उपादान में आता है, पुरुषार्थ भी उपादान है, होनहार भी उपादान है और काल लब्धि भी उपादान है ना। पांच समवायों में से यदि उपादान और निमित्त में बांटा जाए तो चार समवाय तो उपादान है, पांच समवाय में से चार समवाय तो उपादान है और निमित्त तो एक ही है ना। तो हमें ये कहना है कि यदि काल लब्धि को आप या काल को आप निमित्त नहीं मान करके उपादान में शामिल करेंगे तो कैसे बनेगा? क्या परद्रव्य भी उपादान हो सकता है? कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, परद्रव्य को उपादान मानने की समस्या खड़ी होगी यदि काल द्रव्य को आपने काल लब्धि समझ लिया तो। समझ में आई बात? तो ये सब चर्चाएं अपनी कल अपेक्षित विस्तार से हो चुकी थी। देखिए कुछ और आगे बढ़ते हैं काल के भेद प्रभेदों की तरफ। काल के कितने भेद हैं? पेज नंबर 9 पर आ जाइए आप लोग। एक बहुत सुंदर बात कल अंतिम चरणों में आपके बीच में की,
काल भी एक द्रव्य है ना, और द्रव्य किसे कहते हैं? सत द्रव्य लक्षणम, और सत किसे कहें? उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, माने द्रव्य का लक्षण सत है, और सत में उत्पाद व्यय और ध्रुवता नियम से होती है, माने सत में उत्पाद भी है, सत में व्यय भी है, सत में द्रव्य बना भी है, माने द्रव्य में उत्पाद व्यय ध्रुवता तीनों चीजें होंगी। इसका मतलब काल यदि द्रव्य है तो काल में भी उत्पाद व्यय ध्रुवता होनी चाहिए। काल शब्द सुनते ही हमारे को परिवर्तन 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 दिखता है। काल मतलब क्या? परिवर्तन। काल मतलब बदलना, काल मतलब चेंज होना, यही दिखता है ना हमारे को। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो द्रव्य है इसलिए अकेला परिवर्तन ही काल में हो ऐसा नहीं है, परिवर्तन के अतिरिक्त अपरिवर्तन स्वरूप भी काल का होना चाहिए द्रव्य होने से। जैसे आत्मा एक द्रव्य है तो उत्पाद व्यय रूप पर्याय है, और द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखो तो त्रिकाल एक रूप है। कठिन तो नहीं हो रही? जहाँ बात समझ में नहीं आए ना बेटा तो वहीं हाथ खड़ा कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा मत समझो ना क्लास डिस्टर्ब होगी, क्लास डिस्टर्ब भले ही हो तो हो लेकिन समझ में आना जरूरी है। क्लास की परवाह नहीं करके जहाँ जिसको जो बात समझ में नहीं आए, भले ही आपको ऐसा लगे कि अभी मैं पूछूंगा तो सब सोचेंगे इतना सही नहीं आता, कोई बात नहीं। पूछने वाला व्यक्ति एक बार मूर्ख दिखता है लेकिन नहीं पूछने वाला लाइफ टाइम मूर्ख बना रहता है ना। तो लाइफ टाइम गलती हमारे दिमाग में रहे उससे अच्छा है एक बार पूछ लो, कोई हंसे तो हंस लेंगे, कोई बात नहीं। पर हमने क्या कहा यहाँ? क्योंकि काल भी द्रव्य है इसलिए काल में परिवर्तन तो होता ही है, ये तो सब स्वीकार करते हैं, लेकिन परिवर्तन के साथ साथ काल 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 ये जो काल का कालपना नित्य रूप से कायम है ये उसका द्रव्य पक्ष है, इसकी ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। वह काल अपने स्वरूप को कभी नहीं छोड़ता, माने काल कभी कालांतर रूप नहीं होता। जैसे जीव निरंतर बदल करके भी जीव रूप ही रहता है, जीव निरंतर बदल करके भी कभी अजीव नहीं हो जाता, वैसे काल निरंतर बदल करके भी कभी अकाल, काल के अतिरिक्त काल कभी बदल करके पुद्गल हो जाएगा क्या? काल कभी बदल करके जीव हो जाएगा क्या? काल कभी बदल करके धर्म धर्म हो जाएगा क्या? कि नहीं होगा ना। तो यही तो बता रहे हैं यहाँ, नहीं होगा, ये उसका द्रव्य पक्ष है, दोनों पक्ष उसमें मौजूद हैं। अविरल प्रवाहमान की दृष्टि से देखें तो उसमें ये दोनों पक्ष आपको दिखाई देंगे, फिर भी विविध अपेक्षाओं से उसके अनेक भेद दिए हैं। व्यवहार काल और निश्चय काल, पहला प्रकरण काल के संदर्भ में। व्यवहार काल किसको कहें और निश्चय काल किसको कहें? कई विवक्षाओं से चर्चा हो सकती है व्यवहार और निश्चय काल के अर्थ में। देखो जब निश्चय काल की बात करते हैं तो हम कहेंगे वर्तना लक्षण से युक्त, वर्तना माने परिवर्तन, ये लक्षण है उसका, ये काल द्रव्य का गुण है, विशेष गुण तो पढ़े ही हैं आपने, कल सामान्य गुण की बात की थी मैंने, विशेष गुण भी तो पढ़े हैं। माने काल द्रव्य का विशेष गुण क्या है? वर्तना, बदलना, परिवर्तन, ये लक्षण है उसका, काल का लक्षण। इस लक्षण से युक्त जो कालाणु है वो तो है निश्चय से काल, निश्चय काल द्रव्य। और व्यवहार से काल किसे कहेंगे? कि दूसरे द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होना, ये व्यवहार है। जब निश्चय और व्यवहार की बात करते हैं, यद्यपि अभी आप लोगों ने निश्चय व्यवहार कुछ विशेष पढ़े नहीं है लेकिन फिर भी इतना समझ लो, जिस द्रव्य की चर्चा चल रही है उसकी चर्चा उसी की अपेक्षा से होना निश्चय, और पर की अपेक्षा से बात करना हो व्यवहार। आत्माश्रितो निश्चय है, पराश्रितो व्यवहार है। ये बहुत सुंदर पंक्ति है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की, आत्माश्रितो निश्चय नय और पराश्रितो व्यवहार नय। आत्माश्रित माने स्वाश्रित, वो निश्चय, पराश्रित वो व्यवहार। जैसे मैं आपसे पूछूं
धर्म द्रव्य की निश्चय और व्यवहार से परिभाषा बताओ, बता सकते हो? धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? तो आप कहोगे जो जीवों और पुद्गलों को चलने में सहयोगी हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। ये तो व्यवहार से हो गई बेटा बात, क्योंकि जीव पुद्गल के चलने में निमित्त कह रहे हो आप, पराश्रित बात कह रहे हो। निश्चय से धर्म द्रव्य किसे कहेंगे? स्वयं चले, धर्म द्रव्य तो चलता ही नहीं है, धर्म द्रव्य गमन थोड़ी ना करता है। गति हेतुत्व लक्षण वाले को धर्म द्रव्य कहते हैं। समझ में आई बात? ये उसका निजी लक्षण है, ये निजी गुण है, ये उसका विशेष गुण है जो किसी दूसरे द्रव्य में नहीं है। माने गति हेतुत्व लक्षण जिसमें पाया जाता है वो धर्म द्रव्य है, और दूसरों के गमन में सहयोगी के व्यवहार से धर्म द्रव्य। समझ में आई बात? ऐसे काल में लगाओ, जैसे हमने धर्म द्रव्य की बात कही इसी तरह से अधर्म द्रव्य में लगाओ, आकाश द्रव्य में लगाओ। हम यहाँ काल की चर्चा कर रहे हैं, तो काल द्रव्य निश्चय से क्या होगा? वर्तना लक्षण युक्त जो मूल कालाणु है वो कालाणु तो निश्चय से द्रव्य है, निश्चय काल है कालाणु जिसमें वर्तना लक्षण पाया जाता है, और बाकी पांच द्रव्यों के और स्वयं के भी जो परिणमन में सहयोगी हो, अन्य द्रव्यों के परिणमन में सहयोगी पना ये व्यवहार से काल है। समझ में आई बात? ये नीचे इन्होंने लिखा है तीसरी लाइन में, देखिए आप, जो दूसरे द्रव्यों के परिवर्तन रूप है वह व्यवहार काल है, तथा स्वयं वर्तना लक्षण युक्त यह निश्चय काल है। व्याख्या, निश्चय व्यवहार के रूप में दूसरे रूप में भी कुछ बदलती हुई दिखाई देती है। पेज नंबर 11 पर अंतिम पैराग्राफ देखो आप, वहाँ कुछ चर्चा की है, निष्कर्ष दिया है 11 नंबर पेज पर नीचे नीचे पैराग्राफ की दूसरी लाइन। वर्तना लक्षण युक्त कालाणु निश्चय काल द्रव्य है, दूसरे द्रव्यों के परिणमन में निमित्त हुए व्यवहार काल है, तथा नई बात, जब द्रव्यों के परिणमन में सहयोगी होने को निश्चय काल कहा जाए, कि निश्चय से काल क्या है? सब द्रव्यों के परिणमन में सहयोगी निश्चय कहा जाए, विवक्षा बदल गई, तो फिर घड़ी घंटा दिन रात आदि को व्यवहार काल कहते हैं। समझ में आई बात? दिन रात की व्यवस्था कि जितनी भी समय की चर्चाएं होती है, कौन कितने उम्र का है, किसकी आयु कितनी है, कौन कितना छोटा है, कौन कितना बड़ा है, आपको यहाँ पढ़ते हुए कितना टाइम हो गया है, ये जो बाहरी समय की चर्चा करें अभी कितना टाइम हो गया, ये सब व्यवहार काल है। ठीक है, तो दो तरह से निश्चय और व्यवहार काल की चर्चा हो गई। व्यंजन पर्याय को भी व्यवहार काल कहा जाता है, लंबे समय तक ठहरने वाली, उसके लिए भी व्यवहार काल शब्द का प्रयोग है। एक उसकी गणना होती है सूर्य चंद्र आदि के गमन से। तत्वार सूत्र उमा स्वामी आचार्य ऐसा कहते हैं, तो कहते हैं मनुष्य लोक में सूर्य और चंद्र आदि के गमन करने से दिन रात की व्यवस्था होती है। दिन रात की व्यवस्था कैसे होती है? मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियों नरलोके। अभी तो चलाया मनी जी आपने, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियों नरलोके। मनुष्य लोक में मेरु पर्वत की निरंतर प्रदक्षिणा ये सूर्य चंद्र आदि करते रहते हैं, और तत्काल उसके बाद सूत्र लिखा तत्कृत है काल विभाग है, उसके आधार पर काल का विभाग होता है, दिन रात की व्यवस्था होती है। आखिर ये दिन कैसे हो रहा है यहाँ, ये रात कैसे हो जाती है, दिन और रात का कर्ता कौन है, कैसे कैसे दिन रात की व्यवस्थाएं बन रही है ये तो बताओ कि भाई ये जो दिन रात की व्यवस्थाएं बन रही है ये सूर्य चंद्र आदि विमानों के गमन के आधार पर बन रही है। सूर्य है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ दिन है, और सूर्य जिस क्षेत्र से गमन करता हुआ आगे निकल गया वहाँ रात की व्यवस्था हो गई। तो ये दिन रात की व्यवस्था ये सूर्य चंद्र आदि के आधार पर होती है, माने ज्योतिष विमानों के गमन के आधार पर जो काल की गणना की जाए उसे कहते हैं व्यवहार काल।
घड़ी घंटा आदि के आधार पर ये काल है। ये कहाँ होता है, ये सूर्य चंद्र का गमन कितने क्षेत्र में होता है? दो दो लोक में के दो द्वीप में, ढाई द्वीप में। सूर्य चंद्र कितने क्षेत्र में गमन करते हैं? ढाई द्वीप में सूर्य और चंद्रमा गमन करते हैं। ढाई द्वीप में जो पांच मेरु पर्वत हैं, उन पांचों मेरु पर्वतों की निरंतर प्रदक्षिणा देते रहते हैं। ताते प्रदक्षिण देत सुरगन पंच मेरुन की सदा, पंच मेरु पूजा की स्थापना की पंक्तियां हैं और उसके आधार पर ये व्यवस्था इस तरह की बनती है। तो साहब ये ढाई द्वीप में ही दिन रात होते हैं, तो फिर बाहर व्यवस्था कैसे होती होगी ढाई द्वीप के बाहर? ढाई द्वीप जानते हैं आप लोग? जो नहीं जानते हो हाथ खड़ा करें। ढाई द्वीप नहीं जानते हो तो उसको हाथ खड़ा नहीं करोगे तो पूछ लूंगा मैं किसी से भी। सब जानते हैं, बोलो बेटे। हाँ अनंत द्वीप समुद्र है। हाँ ढाई द्वीप में, इसलिए तो कह रहा था पूछ लो, बैठो नहीं। और बोलना बेटा क्या है ढाई द्वीप? नहीं मालूम तो हाथ नहीं खड़ा होता है आप लोगों से, किसी का भी हाथ खड़ा नहीं था, मैं तो नहीं बताने वाला, चल रहा हूँ आगे। क्या करोगे बोलो, तुम्हें शर्म किस बात की आ रही है? यदि नहीं आता है तो पूछ लो ना, मुझे तो पता नहीं है तुम कौन कौन से विद्यालय में क्या क्या पढ़ के आए हो, है ना? ये जानकारी नहीं होगी तो कैसे पता लगेगा? सुनो बात, इधर आओ। उठ गई है तो बता दूं थोड़ी बात। तीन लोग हैं इतना तो पता है, ये भी नहीं पता हो तो हाथ खड़ा कर लेना। पिछले वर्ष तो पढ़ाया था मैंने यहाँ, जो वरिष्ठ में होंगे उन लोगों को तो पता है। लोक तीन हैं, एक पूर्व लोक, एक और एक अधोलोक। तो जो मध्य लोक है ना बेटा, इस मध्य लोक में असंख्यात हैं, अनंत नहीं। कितने द्वीप समुद्र? असंख्यात, अनंत नहीं। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में से कितना स्पष्ट कह रहे हैं, मात्र ढाई, क्या 1, 2.5, कितने में से? असंख्यात में से एक, दो और आधा। जम्बूद्वीप, धातकीगंड द्वीप और आधा पुष्कर द्वीप, बस इतना, इतने का नाम ढाई द्वीप है। समझ में आ रही है बात? बहुत से विद्यार्थी तो ऐसा कहते हैं कि जम्बूद्वीप में है ना ढाई द्वीप, जम्बूद्वीप में ढाई द्वीप है कि ढाई द्वीप में पहले का नाम जम्बूद्वीप है? पहले का नाम जम्बूद्वीप है। मुझे मध्य लोक की चर्चा नहीं करनी विस्तार से, सिर्फ इतना कहना है कि जो पहला जम्बूद्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धातकीगंड द्वीप, फिर कालो नदी समुद्र और आधा पुष्कर द्वीप, इतने एरिया मात्र में, समझ में आई क्या? सिर्फ इतने से एरिया में दिन रात होते हैं, इसके बाहर दिन और रात की व्यवस्था नहीं है, परिवर्तन की व्यवस्था नहीं है। जहाँ दिन है वहाँ दिन ही रहेगा, जहाँ रात्रि है वहाँ रात्रि रहेगी। बाहर ढाई द्वीप के बाहर की बात कर रहा हूँ। नंदीश्वर द्वीप में दिन रात होते हैं या नहीं बोलो? नंदीश्वर द्वीप में दिन रात होते हैं या नहीं? कुछ तो बोलो, आवाज नहीं आ रही। नहीं होते? क्यों नहीं होते? नंदीश्वर द्वीप कौन सा द्वीप है? आठवां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप। नंदीश्वर द्वीप चूंकि आठवां द्वीप है और दिन रात कहाँ होते हैं? सिर्फ ढाई द्वीप में, इसलिए नंदीश्वर द्वीप में दिन रात की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, और लास्ट वाले द्वीप में जिसका नाम स्वयंभू रमण द्वीप है, स्वयंभू रमण समुद्र है, वहां दिन रात होते हैं कि नहीं? वहां भी नहीं होते दिन रात। तो चलो कोई बात नहीं, यदि सिर्फ ढाई द्वीप में ही दिन रात होते हैं, इसमें ही सूर्य चंद्र गमन करते हैं, तो फिर बाहर जो लोग हैं, जैसे मान लो स्वर्ग की बात करो, तो स्वर्ग में दिन रात होते हैं या नहीं? स्वर्ग में नहीं होते दिन रात। और नरक में?
नरक में भी दिन रात नहीं होते, तो फिर नरक और स्वर्ग में जो सागरों की आयु है वो तो ऐसे बीत जाती होगी, क्या होता होगा वहाँ, वहाँ गणना कैसे होती है, गिनती कैसे होती है? हमने कहा नरक में मिनिमम आयु 10,000 वर्ष की है, नरक में मिनिमम आयु पहले नरक के पहले पटन की जगन्य आयु 10,000 वर्ष की है, तो वो 10,000 वर्ष तो एक वर्ष 24 घंटे में पूरा हो जाता होगा। क्यों, वर्ष कितना बड़ा होगा नरकों में? 365 दिन का, तो दिन रात तो होते ही नहीं है वहाँ, नरक में दिन रात तो होते नहीं है। सुनो भाई, ढाई द्वीप में जो दिन रात की व्यवस्था होती है, ढाई द्वीप में जो सूर्य चंद्र गमन करते हैं, इससे जो 24 घंटे पूर्वक एक दिन बनता है, इसी दिन के आधार पर, इसी काल के आधार पर गणना, काउंटिंग और कैलकुलेशन पूरे 3 लोक में होती है। समझ में आ रही है बात? नरक में भले ही दिन रात नहीं होते हों, स्वर्ग में भले ही दिन रात नहीं होते हों, लेकिन स्वर्ग के वर्षों की कैलकुलेशन, स्वर्ग के सागरों की कैलकुलेशन, वो सारी की सारी कैलकुलेशन ये ढाई द्वीप में गमन करने वाले सूर्य और चंद्रमा के आधार पर ही होती है। बराबर, देखो कहीं कोई कंफ्यूजन न रह जाए, कोई ऐसा न समझ लेवे कि सूर्य चंद्र ढाई द्वीप में ही होते हैं। क्या प्रकाश है, कोई ऐसा नहीं समझ ले रहे, सूर्य चंद्र तो यही होते हैं, सब ढाई द्वीप में ही होते हैं। अरे संजीव जी बता रहे थे, प्रवचन में बोली थी उन्होंने, वहीं होते हैं, पर ढाई द्वीप में ही दिन रात सूर्य चंद्र यही गमन करते हैं। अरे भाई गमन करते हैं ये कही है, ढाई द्वीप के बाहर होते तो हैं लेकिन गमन नहीं करते। सूर्य और चंद्र पूरे मध्य लोक में असंख्यात हैं। क्या जम्बूद्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा हैं, लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमा हैं, धातकी खंड में 12 सूर्य 12 चंद्रमा हैं, कालोदरी में 42 सूर्य 42 चंद्रमा हैं, पुष्कर आर्द में 72 सूर्य 72 चंद्रमा हैं, पूरे ढाई द्वीप में 132 सूर्य 132 चंद्रमा हैं, और ढाई द्वीप के बाहर बिल्कुल व्यवस्थित कैलकुलेशन से आगे बढ़ते बढ़ते क्या हमारे असंख्यात सूर्य और असंख्यात चंद्रमा हैं ढाई द्वीप के बाहर। अभी उस कैलकुलेशन में आपको नहीं उलझाना है, वो विषय भी नहीं है अपना। कभी ज्योतिष लोक संबंधी मेरा एक प्रवचन यूट्यूब पर अवेलेबल है, मैंने उसमें ज्योतिष देवों की ही चर्चा की है, ठीक है ना, तो वहाँ से आप जान सकते हैं, सुन सकते हैं। माने देखिए, ये जितनी भी चर्चा हुई अपनी, इस चर्चा का सार क्या है कि मनुष्य लोक में ही जो सूर्य चंद्र गमन करते हैं, उसी के आधार पर 3 लोक में काल की कैलकुलेशन होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो थोड़ा सा। व्यवहार काल के विविध मापदंड दिए हैं पेज नंबर 12 पर, 12 और 13 नंबर पेज पर। देखो व्यवहार काल की कुछ चर्चाएं की है, कुछ मापदंड बतलाए हैं, बहुत विस्तार से है, और यहाँ तो मैंने बहुत कम लिखा है सच में। जब PhD जब मूल जो पुस्तक है उसमें तो इतने लंबी गणनाएं, उसको मैंने अनुपयोगी जानकर, मैंने अभी अपने लिए अनुपयोगी है, जिनागम का कोई विषय अनुपयोगी तो होता नहीं है, अपनी समझ और अपनी बुद्धि के अनुसार वो उपयोगी नहीं दिखाई देता, इसलिए उसे यहाँ प्रकाशित नहीं किया। और जितना लिखा है उसमें से भी जितना आपके लिए स्मरण रखने योग्य है वो इतना जान लो कि काल का अविभागी अंश वो कहलाता है समय। क्या याद रखना है आपको? समय। समय किसे कहते हैं? काल मतलब सबसे छोटा टाइम का अंश, टाइम की एक यूनिट, उसका नाम है समय। समय से छोटा कुछ नहीं है। जैसे देखो, हमने कहा 1 घंटा, हमने कहा 1 घंटे के विभाजन करो, छोटा करो इसको, तो हमने कह दिया 1 मिनट, तो कहा मिनट से छोटा बताओ, बोले सेकंड, तो सेकंड से छोटा बतलाओ, नैनो सेकंड कह दिया आपने, और छोटा बतलाओ क्या,
कि माइक्रो सेकंड के और छोटा करो और छोटा करो, इतना छोटा करो इतना छोटा करो कि जिससे छोटा और ना हो सके उसे क्या कहेंगे? एक समय। समझ में आ गई बात? समय सबसे छोटा अंश है, असंख्यात समयों की होती है एक आवली। दो बातें याद हो गई, पहली बात समय काल का सबसे छोटा अंश है, अविभागी अंश वो है समय। आवली, एक आवली कितनी बड़ी? असंख्यात समयों की एक आवली। और जो एक आवली होती है ये सेकंड में संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आवलियाँ होती है। मतलब आवली भी अपने को समझ में नहीं आता है ना, तो एक थोड़ा सा भाव भाषण हो आवली का। आवली कितनी बड़ी है, एक आवली कितनी बड़ी होती है, आवली प्रमाण काल कितना बड़ा है। अगर एक सेकंड में संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी हिस्से करो, इतना एक आवली होता है। एक सेकंड के हिस्से संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी माने तीन हजार के आगे 14 जीरो और लगाओ। संख्यात बहुवचन हो गया ना, मिनिमम तीन और संख्यात हजार माने 3000 और कोड़ा कोड़ी में 14 जीरो। तो 3000 के आगे 14 जीरो माने 3 के आगे 17 शून्य और लगाओ, इतने विभाजन करो एक सेकंड के, वो होती है एक आवली। और एक आवली में समय कितने होते हैं? तो कहा चौथे नंबर का असंख्यात जगन्य युक्त असंख्यात समय होते हैं। लिख लो बस, कॉपी में लिख लो और फिर दिमाग में लिख लो, परीक्षा में पता नहीं क्या पूछ लिया जाए। एक आंवली में कितने समय? जगन्य युक्त असंख्यात चौथे नंबर का असंख्यात है, जगन्य युक्त असंख्यात समय होते हैं। चलो समय और आंवली से कुछ आगे बढ़ें तो एक बात जो आपकी याद रखने योग्य है वो है घड़ी। बार बार में आता है दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ। ये घड़ी क्या चीज है? घड़ी तो सबके हाथों में है, हैं? इन्होंने भी पहन रखी है, इन्होंने भी पहन रखी है। दो घड़ी माने क्या? एक घड़ी तो है, एक घड़ी मोबाइल की देखते रहो, एक ये घड़ी हो गई। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, एक घड़ी माने 24 मिनट। एक मुहूर्त में दो घड़ी होता है, दो घड़ी माने एक मुहूर्त। मोटा मोटा जो आपके याद रखने योग्य बात है, समय समझ में आ गया? समय काल का पीछे वालों को समझ में आया कि नहीं? समय और आवली असंख्यात समयों की एक आवली है, जगन्य युक्त असंख्यात समयों की एक आवली है, ठीक है। सेकंड को सब जानते ही हैं, घड़ी 24 मिनट की एक घड़ी है, और एक मुहूर्त बताओ, दो घड़ी का एक मुहूर्त, दो घड़ी का एक मुहूर्त मतलब कितने मिनट हो गए? 48 मिनट का एक मुहूर्त। और अंतर मुहूर्त तो सब जानते ही हैं, आप लोग सुनते आ रहे हैं, 48 मिनट में एक समय जितना कम करते जो भी कम है 48 मिनट से कम वो सब अंतर मुहूर्त है। एक समय कम करो चाहे दो समय कम करो चाहे 48 मिनट में 5 मिनट कम करो। हमने कहा 43 मिनट का अंतर मुहूर्त होता है, एक बार ऐसे कहा मैंने सभा में, तो तुरंत खड़े हो गए पंडित जी 48 मिनट से कम, आप 43 कैसे कह रहे हो? मैंने कहा 45 मिनट का भी अंतर मुहूर्त होता है और 5 मिनट का भी अंतर मुहूर्त होता है। क्या 48 मिनट के अंदर अंदर जो काल है उसे अंतर मुहूर्त कहते हैं। समझ में आ रही है बात? 5 मिनट 15 मिनट 25 मिनट अंतर मुहूर्त है या नहीं है? जब हम ये कहते हैं कि अंतर मुहूर्त आत्मा में उपयोग लीन हो जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि 48 मिनट आत्मा में लीन हो तो केवल ज्ञान हो जाए। एक समय कम मान लो, हैं? ऐसा नहीं है। हाँ यथा योग्य अंतर मुहूर्त है, और यथा योग्य अंतर मुहूर्त का अर्थ ये है कि 15-20 मिनट भी हो सकता है
और 5 मिनट उपयोग आत्मा में लीन हो तल्लीन हो तो भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। एक समय नहीं, देखो अब चक्कर क्या है, जगन्य अंतर्मूर्त की जब बात की है शास्त्रों में तो कहा एक आवली एक समय को जगन्य अंतर्मूर्त कहते हैं। क्या था? एक आवली एक समय, ये जगन्य अंतर्मूर्त, ठीक है। उत्कृष्ट अंतर्मूर्त 48 मिनट में एक समय कम। कभी कभी कहीं कहीं जब और सूक्ष्मता से चर्चा की है तो 48 मिनट में एक समय कम को भिन्न मुहूर्त कहा है और 2 समय कम को अंतर मुहूर्त कहा है। क्या तो ऐसी भी सूक्ष्मता से चलते हैं, विवक्षाएं हैं आगम में अलग अलग प्रकार से। अब ये इन उत्कृष्ट और जगन्य के बीच में जितना भी अंतराल है वो सब मध्यम अंतर मुहूर्त है। शास्त्र में जहां कहीं भी उत्कृष्ट और जगन्य शब्द का प्रयोग न किया हो वहां ऑटोमेटिक मध्यम अंतर्मूर्त ही समझना चाहिए। क्या कह दिया भैया? शास्त्र में जहां भी स्पष्ट नहीं कहा कि उत्कृष्ट अंतर्मूर्त ये जगन्य अंतर्मूर्त, ऐसा नहीं कहा, सिर्फ अंतर्मूर्त लिखा हो, जहां भी जिस किसी भी स्थान पर लिखा हो अंतर्मूर्त काल अंतर्मूर्त काल अंतर्मूर्त काल, इसका मतलब क्या समझना, मध्यम अंतर्मूर्त की बात है। वो कितना भी हो सकता है मध्यम अंतर्मूर्त, और कह सकते हैं यथा योग्य अंतर्मूर्त, व्यवस्थित करना हो उसको तो केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए कितना समय चाहिए आत्म स्वभाव में लीनता का, यथा योग्य अंतर्मूर्त, ठीक है। चलो ये तो बात हुई काल के संदर्भ में, बाकी तो सब आप थोड़ी थोड़ी बातें जानते ही हैं, पक्ष जानते हैं, मास ऋतु अयन वर्ष, इन सब की आपको जानकारी है। अंतिम सीमा पर पहुंचते हैं हम गणना संबंधी। 150 अंक प्रमाण वर्षों के काल को उत्कृष्ट संख्यात कह दिया गया। संख्याएं होती है ना, संख्यात असंख्यात अनंत, इस तरह की भी चर्चाएं कुछ आई है आगे पेज नंबर 14 पर, संख्यात असंख्यात अनंत काल की चर्चा की है। अभी यहां कहा संख्यात कितना बड़ा होता है, संख्यात माने संख्या, कितनी बड़ी संख्या तक को संख्यात कहा है हमारे यहां शास्त्रों में, तो अगर 150 अंक प्रमाण, आपके कैलकुलेटर नहीं हो सकते, आपके कंप्यूटर नहीं हो सकते, कंप्यूटर में आप कोशिश करोगे ना तो 35-40-45 अंकों तक आता है, इसके आगे नहीं चलता हूँ, डिजिट ही चलना बंद हो जाता है, उसके आगे डिजिट लागू नहीं होती। जितने साइंटिस्ट लोग हैं गणित के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, गणित की दृष्टि से देखा जाए तो 20 अंक प्रमाण से ज़्यादा लोग कहते हैं असंख्यात हो गया, 20 डिजिट, उसके आगे वो असंख्यात की श्रेणी में ले लेते हैं। जबकि हमारे यहाँ जैन आचार्यों ने 150 अंक प्रमाण तक की संख्या को संख्यात माना है और उत्कृष्ट संख्या के लिए एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया है जो ध्यान रखना है आपको, उसका नाम है अचलात्म। पेज नंबर 13 पर नीचे से तीसरी लाइन में यह शब्द दिया है अचलात्म संज्ञा। उत्कृष्ट संख्यात कितना होता है, बोले 150 अंक प्रमाण, ने क्या शब्द है अचलात्म कहा है, 150 अंक तक के बीच में 140 अंक क्या होगा, 145 अंक क्या होगा, 130 अंक प्रमाण क्या है, उन सब की गणना करके चर्चा की है। हमें आ रही है बात, सबके लिए अलग अलग नामकरण दिए गए हैं किसको किस नाम से पुकारा जाए। चलो आगे, ये संख्यात असंख्यात अनंत में क्या अंतर है, फटाफट पूरा करें अपन, संख्यात असंख्यात और अनंत में क्या अंतर है, बिल्कुल स्पष्ट है, जो संख्याएं हैं वो संख्यात है, जो संख्या से पार हो गया वो असंख्यात है, और कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा जिसका अंत नहीं है वो अनंत है, जबकि ऐसा नहीं, क्योंकि अनंत का भी अंत आ जाता है, आता है कि नहीं अनंत का अंत, क्यों बेटा अनंत का अंत आता है क्या, अनंत का
क्या बोल रहे हो? अनंत, जिसका अंत नहीं हो उसे अनंत कहते हैं। अंत का आएगा, अनंत का आता है, अनंत का भी अंत आता है। बहुत प्रयोग करके बतला सकता हूँ आपको, आप लोगों को याद है ऐसी पंक्तियां बता सकता हूँ। काल अनंत के बीतेगा, बीत ही नहीं सकता, अनंत कैसे बीतेगा? सब बोल रहे हो आप, सबको याद है ये लाइनें, काल अनंत निगोद मझार क्या हुआ, बीतो, बीत गया कि नहीं? अनंत था तो बीत कैसे गया ये तो बताओ। माने अनंत भी बीत जाता है, ये तो क्लियर हो गई बात। अनंत का भी अंत आता है। सुनो भाई, संख्यात असंख्यात और अनंत, इनकी व्याख्याएं जो हमारे आचार्यों ने की है वो सिर्फ इस प्रकार की है कि जो कैलकुलेशन, जो गणनाएं मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के माध्यम से पकड़ में आ सके वो सब संख्यात है। हमारा मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो बहुत अल्प है, लेकिन उत्कृष्ट मति श्रुति ज्ञान का क्षेत्रक्षम जिनका हो वे जितनी कैलकुलेशन को पकड़ सके वो सब संख्या, संख्यात। तो कहां तक पकड़ सकते हैं? तो कह दिए 150 अंक प्रमाण तक पकड़ सकते हैं। इतनी कैलकुलेशन समझ में आ सकती है, दिमाग में आ सकती है, गिन सकते हैं। और जिस सीमा पर पहुंचने पर प्लस वन करो और मति श्रुति ज्ञान, उत्कृष्ट मति श्रुति ज्ञान वाले ये कहे बस अब नहीं, अब नहीं जान सकते, हमारी समझ से बाहर है, बोले यह असंख्यात हो गया। कौन जान सकता है? अवधि ज्ञान, मने परिय ज्ञान और केवल ज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है असंख्यात। ठीक है, मति श्रुति ज्ञान के माध्यम से ना जाना जा सके, ठीक है, और अवधि और मने परिय ज्ञान के माध्यम से जाना जा सके वो क्या है? असंख्यात। लेकिन जिसे अवधि और मने पर ये ज्ञान भी न जान सके, प्लस वन प्लस वन प्लस वन जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ कहां तक? उत्कृष्ट क्षेत्रक्षम वाले मने पर ये ज्ञानी कहे बस अब नहीं, बोले प्लस वन किया अब किसका विषय है? बोले केवल ज्ञान का विषय है, बोले आनंद। समझ में आई बात? माने जो जो केवल ज्ञान का विषय हो वो सब अनंत है ऐसा नहीं, समझना गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, क्योंकि केवल ज्ञान का विषय संख्यात भी तो है। केवल ज्ञानी संख्याओं को भी तो जानते हैं, केवल ज्ञानी असंख्यात को भी तो जानते हैं। तो फिर क्या कहना पड़ेगा? जिसे मति श्रुत अवधि मने पर्याय तो न जाने और केवल ज्ञान जाने उसका नाम है अनंत। समझ में आई बात? बैलेंस रखना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आपने कह दिया केवल ज्ञान का विषय वो अनंत है, तो हमने कहा पांच को जानते हैं कि केवल ज्ञानी, तो ये अनंत है क्या? संख्या दिख रही है साफ साफ। अभी इनके भी और भेद प्रभेद किए हैं शास्त्रों में, इनके बारे में कहा है। जैसे समझो संख्यात के तीन भेद कर दिए, असंख्यात के 9 भेद कर दिए और अनंत के 9 भेद कर दिए। ज्यादा मत उलझना, इस मोटे मोटे नाम आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होवे तो भी ठीक है, सरल है, कठिन नहीं है। तीन शब्द याद करने, 21 वेद याद करने के लिए। संख्यात के 3 वेद, जगन्य मध्यम उत्कृष्ट, ये तो याद ही है आपको। संख्या के 3 वेद संख्यात के, जगन्य संख्यात कितना होगा? 2। मध्यम 2 से ज्यादा और उत्कृष्ट 150 अंक प्रमाण, ये तो हो गया संख्यात। क्लियर है? असंख्यात बताओ तो वह असंख्यात के 9 भेद हैं। अब ये 9 कैसे किए? तो परित, युक्त और असंख्य, 3 शब्द याद रखने हैं। परित असंख्यात, युक्त असंख्यात और असंख्याता असंख्यात,
क्या कहा? परित, युक्त और असंख्य, बस ये नौ हो गए। कैसे? जगन्य मध्यम उत्कृष्ट, जगन्य परित असंख्यात, मध्यम परित असंख्यात, उत्कृष्ट परित असंख्यात, जगन्य युक्त असंख्यात, मध्यम युक्त असंख्यात, उत्कृष्ट युक्त असंख्यात। आगे बोलो सब मिलके, जगन्य असंख्यात असंख्यात, मध्यम असंख्यात असंख्यात, उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात। क्लियर हो गए ना? नौ, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सेम है, इसी तरह से अनंत लगा दो तो अनंत के नौ हो जाएंगे। जगन्य परित अनंत, मध्यम परित अनंत, उत्कृष्ट परित अनंत। आगे जगन्य युक्त अनंत, मध्यम युक्त अनंत, उत्कृष्ट युक्त अनंत। अब ये बोलेगा लड़का, बोलना आगे सात नंबर पे क्या बोलेंगे? जगन्य अनंत अनंत, फिर मध्यम अनंत अनंत, फिर उत्कृष्ट अनंत अनंत। याद हो गए? कठिन तो नहीं? चलो आगे बढ़ो। तो इस तरह से ये काल की बातें यहाँ कही है। एक निष्कर्ष रूप पैराग्राफ यहाँ दिया है, 15 नंबर पेज पर बीच में एक पैराग्राफ दिया है। इस प्रकार अनंत की महिमा नहीं ना, केवल ज्ञान का विषय है। इस प्रकार आत्मा के ज्ञान नामक एक गुण की एक समय की पर्याय में अपरिमित अनंत काल को जानने की सामर्थ्य है। अनंत को कौन जान रहा है? एक समय की पर्याय, वो केवल ज्ञान की पर्याय अनंत को जान पा रही है। इससे ज्ञान गुण की सामर्थ्य एवं ज्ञान जैसे अनंत गुण जिस आत्मा में है, ऐसे आत्मा की सामर्थ्य का अनुमान लगाया जा सकता है। एक समय की पर्याय की इतनी पावर है, केवल ज्ञान पर्याय की, अनंत को जान लेवे वो एक समय की पर्याय। इतना ही नहीं, अरे रे, ऐसी पर्याय जिस ज्ञान गुण में से अनंत काल तक निकलती रहेगी, वो ज्ञान गुण कितना सामर्थ्यशाली है। और ज्ञान जैसे अनंत गुण जिसमें है, वो भगवान आत्मा की कितनी महिमा है। और बहुत प्रसन्नता की बात यह है कि ऐसा अनंत सामर्थ्य का धनी भगवान आत्मा कोई और नहीं, वो मैं स्वयं। ऐसे आत्मा की सामर्थ्य का अनुमान लगाया जा सकता है। और अनंत सामर्थ्यवान होकर भी ये जीव अपनी प्रभुता को न पहचानने के कारण ही अनंत दुख भोग रहा है, ये इसकी दुर्दशा है। चलो और देखें, काल के भेद कितने प्रकार से मिलते हैं? भूत, वर्तमान, भविष्य काल, काल के भेदों की चर्चा चल रही है। एक निश्चय काल, व्यवहार काल की चर्चा हुई, फिर संख्यात असंख्यात अनंत काल के रूप में चर्चा हुई, और फिर चर्चा हुई भूत, वर्तमान, भविष्य के रूप में। इनको ज़्यादा समझाने की जरूरत यहाँ नहीं है। भूतकाल तो पास्ट है ही, भविष्य जो फ्यूचर है जिसे आप जानते ही हैं, और वर्तमान कितना बड़ा होता है? एक समय मात्र का, माने एक समय पहले भूत है, एक समय बाद वो भविष्य है, और वर्तमान एक समय मात्र का है। कुछ कैलकुलेशन इसमें करके बतलाई है अपने नियमसार आदि पुराण गोमटसार आदि ग्रंथों के आधार पर, प्रमाण निकाला है, परिमाण निकाला है, वो कैलकुलेशन यहाँ दी है। गोमटसार की गाथा को यहाँ प्रस्तुत करते हुए 16 नंबर पेज पर देखो, बीच का पैराग्राफ। इन तीनों कालों की परिभाषा बताते हुए आचार्य नेमिचंद्र कहते हैं कि सिद्ध राशि को संख्यात आवली के प्रमाण से गुणा करने पर जो प्रमाण हो, उतना ही अतीत माने भूतकाल का प्रमाण है। अभी भूतकाल की गणना बतलाई उन्होंने कि कितना है भूतकाल, सब कुछ तो बताओ, भूतकाल कितना बड़ा है? किताब अनंत है नहीं, कोई कैलकुलेशन है क्या उसकी कुछ? तो कहा जितने सिद्ध परमात्मा हैं सिद्धालय में मौजूद, उन सिद्ध परमात्माओं की संख्या को संख्यात आवलियों से गुणा कर दो तो जितना टाइम पीरियड निकलेगा, बोले वो भूतकाल है। और इसको यदि एक्यूरेट बैठाना हो तो एक और गणना वो यहाँ करके बतलाई है नीचे,
देखो क्या कहा है, मेरी सुन लो इधर। सिद्ध भगवान कितने हैं, जितने भी सिद्ध भगवान हैं उनको पहले तो 6 महीने और 8 समय से गुना करो सिद्धों की संख्या को। 6 महीने 8 समय में जितने टाइम पीरियड होगा ना, 6 महीने 8 समय में उतने टाइम पीरियड से हमने सिद्धों की संख्या को गुना कर लिया। अब जितना टाइम पीरियड होगा, बोले उतने टाइम पीरियड में तो 608 रहे हैं, तो 608 का भाग दे दो तो भूतकाल का समय निकल आए। क्या नहीं समझ में आई बात? कितने हैं सिद्ध परमात्मा, सिद्धों की संख्या कितनी है? वैसे 8वें नंबर का अनंत है, अनंत के जो भी 9 भेद किए ना उसमें 8वें नंबर का अनंत ये सिद्ध राशि है। तो बोले वो 8 जितने अनंत हैं उनको किससे गुना करो, क्योंकि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तो 6 महीने 8 समय में जीव मोक्ष जाते हैं ना, तो जितने भी सिद्ध गए हैं 6 महीने 8 समय के आधार पर कैलकुलेशन करो, तो 6 महीने 8 समय में जितने समय हैं उन सब से जितने सिद्ध थे सबको गुणा कर दिया। बोले बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं, 6 महीने 8 समय में तो 608 जाते थे, तो जितने कैलकुलेशन होगा उसमें 608 का भाग दे दो तो जो समय आएगा वो संख्यात काल प्रमाण या संख्यात क्या कहा है यहाँ आवली, संख्यात आवली गुणित सिद्ध राशि को गुणा करने पर जो संख्या आई है वो है भूतकाल का प्रमाण। वर्तमान 1 समय का है और भविष्य काल को उससे भूतकाल से भी अनंत गुना बड़ा कहा गया है। इस तरह ये गणना की चर्चा यहाँ संपन्न हुई और कल से जो अपनी चर्चा प्रारंभ होने वाली है वो बहुत सुंदर और रोचक चर्चाएँ हैं, जिसमें अलग हटके नई नई बातें आपको विशेष जानने को मिलेगी कि 6 काल की चर्चा उत्सर्पणी और अवसर्पणी कालों के रूप में कल से हम यहाँ प्रारंभ करेंगे। उन काल के संबंध में उठने वाली शंकाओं की चर्चा भी आगामी दिनों में आपके बीच में करेंगे। अभी की बात को यही विराम देते हैं। महावीर भगवान जिनवाणी।